अच्छा, घर में कमल का पुष्प और शंख हमेशा रखना चाहिए। कमल का पुष्प और शंख घर में रखना बहुत शुभ होता है। भगवान के आगे पानी जरूर रखना चाहिए। जो भी तुम्हारा मंदिर हो उसके ईशान्य कोण में, पूर्व उत्तर का जो कोना होता है, जैसे ये मंदिर है ना, तो मंदिर में, पूरे मंदिर में जो पूर्व उत्तर का कोना पड़े वहाँ पर पानी का लोटा भर के रखना चाहिए। कई लोग जो भोग लगाते हैं वही पानी सोच लेते, पानी धर तो दिया हमने, नहीं, वो एक लोटा 24 घंटे भरा हुआ रखा रहना चाहिए, वो ढककर रख कर, और 24 घंटे बाद जब आप पूजा करते हैं तब उस जल को तुलसी जी में डाल दीजिए, किसी भी गाछ में डाल सकते हैं आप उसको, फिर वापस लोटा को धो माज कर वापस भगवान के ईशान कोण में उसको रख देना चाहिए। उसको पीना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें तुम्हारे पितरों का वास हो जाता है, इसीलिए उसको पीना नहीं चाहिए। जो भोग लगाते हो वो पानी पी सकते हो, क्योंकि जब तुमने भोग की थाली उठाई है तभी तुमने पानी भी उठा लिया है, वो पानी आप पी सकते हो, लेकिन जो 24 घंटे लोटा भर के रखा रहता है वो पानी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तुम्हारे पितरों का वास हो जाता है, इसीलिए उसे किसी पवित्र पेड़ में डालना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए।